प्रातः क्लास चल रहा था, तेरह पांच 1964 बुधवार। बात चल रही थी भाई बहन कभी क्रिमिनल असॉल्ट कैसे करते होंगे, तो जब वो पवित्र रहते हैं तो वो ही जाकर के फिर पवित्र दुनिया का मालिक बनते हैं। बाप कितना सहज बैठ करके समझाते हैं, बोलो ज्ञान चंद्र किरण बच्ची समझती हो? देखो तुम्हारा नाम रखा था, ये नई बच्ची आई है ना, बाप दादा पूछते हैं जब किसको निश्चय होता है वो बाप स्वर्ग का मालिक, और फिर हमको आया है वर्षा देने के लिए। अरे ऐसे के पास एकदम कुछ भी कोई भी कहां हो, वो तो बोलते हैं बाबा बंधन से छोड़ावे। दृष्टांत भी है, एक तोता था झाड़ पर बैठा था, बोलता था मुझे कोई छोड़ाए, मैं इस झाड़ में फंस गया हूं। सन्यासी लोग ये दृष्टांत देते हैं, और वो तो बहुत दृष्टांत देते हैं। सन्यासी जो भी दृष्टांत देते हैं बाबा का, कछुआ के मिसल तुमको रहना है, भ्रमरी तुम हो, तो अभी समझा बच्चियां, बाबा की बहुत मीठी बच्ची वो है ही जो बाबा का सपूत बनकर के सर्विस करे, और देही अभिमानी हो। देही अभिमानी ही गले का हार जल्दी जाकर बनेंगे। रुद्र की माला को पिरोना है ना, किनको? जो देही अभिमानी जल्दी बनेंगे उनको जा करके रुद्र की माला का हार पिरोना है। तो आत्मा को पिरोना है, ये जिस्म को थोड़े ही पिरोना है। पहले रुद्र माला पिरोई जाएगी, पीछे विष्णु माला। तो जो रुद्रमाला में जाएगा वो एक्यूरेट विष्णु माला में। नंबर वार क्लास ट्रांसफर होता है ना, ब्राह्मणों की माला तो होती नहीं है, रुद्रमाला गाई जाती है और विष्णु की माला गाई जाती है। ब्राह्मणों की माला कभी होती ही नहीं। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ब्राह्मण पुरुषार्थी जीवन में है, ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद है,
ब्रह्मा की माला ही नहीं बनती तो ब्राह्मणों की कैसे बनेगी। आज देखो 8 नंबर में, कल देखो तो 50 नंबर में चले जाते। इतना ऊपर नीचे होते रहते हैं। आज 50 नंबर में, कल दूसरे नंबर में आ जाते। अरे नए नए आते हैं वो चढ़ जाते हैं और पुराने और ही ढिरक जाते हैं। तो अभी ब्राह्मणों की माला कैसे बने? बनेगी? बोलो सूर्य चंद्र किरण। अब नाम कितना याद करूं? सब बातें समझते हो तो फिर समझाना पड़ेगा। बाबा सुन करके समझ करके प्रतिज्ञा करते हैं और हम सुनाएंगे भी जरूर, नहीं तो किसी का उद्धार कैसे हो सकेगा। ये कच्छ में कुरुम है, और ये कच्छ में कुरुम नहीं है। कुरुम माने देह अभिमान। ये बुद्धि में सच्चम है, सच्चा बाबा बैठ करके सच्ची नाली जी सुनाते हैं। क्या सुना? जो यहां सुख ले लेती है तो फिर वहां कम हो जाता है, यहां तो मेहनत करनी है। बैठकर कोई सुख थोड़े ही लेना है। यहां जिसको देह अभिमान हो तो बाबा राय देते हैं कि यहां आकर के थोड़ा गोबर और कोयला लेकर के उसका छेना बनावे तो फिर ऐसों का देह अभिमान टूट जावे, झाड़ू लगा दे। नहीं तो देह अभिमान बहुत धोखा खिलाता है। बाबा राय देते हैं, कोई बच्ची कहती है बाबा मैं वहां आऊंगी, बाबा कहेंगे तुम तो बड़े साहूकार की बच्ची हो, कुमारी हो, बाबा के पास आएंगी तो पहले बाबा मम्मा झाड़ू लगवाएंगे, बर्तन मंजवाएंगे, छेना कराएंगे, क्योंकि सन्यासी लोग भी तो ऐसे करते हैं ना। राजाएं उनके पास जाते हैं ना तो उनको पहले आश्रमों में सफाई फलाना काठी ले आओ ये कराते हैं, तो देह अभिमान उनका टूट जावे। यहां भी ये कायदा है, परंतु यहां आकर के जब रहे तो पीछे मालूम पड़े। बाबा ने दिखलाया है कभी सन्यासी आते हैं तो यहां तक भी पहुंचते हैं कि उनकी हम ड्रेस उतरवा लेता हूं। 13/5/1964 की वाणी का 11वां पेज। उनकी ड्रेस उतरवाई करके सिलाई करके ये कपड़ा पहना ही देता हूं और उनसे बोलता हूं
जाओ किचन में जा करके रोटी पकाओ, क्योंकि तुमने तो रोटी पकाना ही छोड़ दिया। तो तुम सीखो तो मालूम पड़े। मुफ्त में खाते हैं तो उनको फिर ये काम देते हैं। बस 8-10-12 रोज करेंगे, फिर कहेंगे बाबा हम वहां, हम तो बस इतना ही कर सकेंगे। अरे वो तो पहले बादशाह थे, सब आकर के चरणों में झुके हुए थे। तो बाबा कहते हैं अच्छा भाई अब इनकी ड्रेस वापस ले आओ, इनको पहनाओ। कहेंगे भागो यहां से, यहां तो आए थे राज्य लेने के लिए, भीड़ हो जाती है तो क्या बन जाते हैं? कोई पढ़ सकेंगे? नहीं, वो भीड़ वाले नहीं पढ़ सकेंगे। कौन भीड़ वाले? कौन सन्यासी भीड़ वाले क्यों बताए? हैं? बाद में आते हैं ना? क्योंकि बाद में आवेंगे तो बहुत भीड़ हो जाएगी। ये तो स्कूल है, स्कूल में भीड़ भाड़ का क्या काम? रिकॉर्ड बजा, कहां भी जाओ तो योग में जरूर रहना, ऐसे समझते हो? कहां भी जाओ तो मुझे याद जरूर करना। हे बच्चे, ये बच्चों को ही कहा जाता है ना, जाते तो हो परंतु याद रखना, मेरे को याद करना। अगर याद नहीं करेंगे तो माया घूसा जरूर मार देगी। कभी बहुत गफलत करेंगे तो एक ही थप्पड़ से गिरा देगी। इसको कहा जाता है माया के साथ बॉक्सिंग। फिर रिकॉर्ड बजा, नहीं करेगी तो अपना कम कल्याण करेगी। बाबा तो है कल्याणकारी, तुम बच्चे भी कल्याणकारी। देखो क्या करती हो, सारा भारत का बेड़ा पार करने का सैल्वेशन आर्मी हो, शिव शक्ति पांडव सेना हो, शक्तियां मदर्स। देखो मदर्स का कितना मान है, तुम्हारा हैंड जगदम्बा शक्ति है, देवी नहीं है, ब्राह्मणी है, जगदम्बा को कोई देवी थोड़े ही कहेंगे। ये पारलौकिक बाप के बच्चे ईश्वर के घर की श्रृंगार है। तुम ईश्वरीय बच्चे हो ना, देखो तुम्हारा कितना श्रृंगार करते, जो भारत को स्वर्ग बनाए देती हो। फिर रिकॉर्ड बजा,
यहां भी कुछ होता है ना, बच्चे सर्विस पर जाते हैं कमाई करने और कमाई कराने के लिए। वहां स्वर्ग में कभी कानों में सुराख करते हैं क्या? पीछे नहीं तो जेवर कैसे पहनेंगे? छेद नहीं होगा तो जेवर कैसे पहनेंगे? परंतु आजकल का फैशन है क्या? फैशन है, दरकार तो नहीं रहती है, घूमती फिरती रहती है। बाकी ऑपरेशन कोई बड़ी चीज थोड़ी है, जैसे अपेंडिक्स का ऑपरेशन करते हैं उसमें दर्द पड़ जाता है, बड़ी तकलीफ होती है। रात को ऑपरेशन किया, सुबह को डॉक्टर कहेगा ए घूमो चक्कर लगाओ। आजकल तो इतनी अच्छी निकली है परंतु यहां भी कुसंग होता है। कन्याओं के लिए सिवाय अपने भाइयों के और बाप के, माता पिता के और कोई नहीं है, नहीं तो वहां दुनिया में जाएंगे और बात मत पूछो। इसको कहा ही जाता है शकील दे, अर्थात 5000 वर्ष के बाद फिर से आए मिले हुए, और बाप से अपना बेहद का वर्षा ले रहे हैं। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेगा, साक्षी होकर के देखना भी है कि कल्प पहले इसने कितना पुरुषार्थ किया था, जैसे किया होगा वैसा ही अब कर रहे हैं। कल्प पहले भी यही है जो आश्चर्यवत भागंति हुए थे, एक दीक दो की तो बात नहीं है। तो साक्षी होकर के ड्रामा को देखते रहो, वैसे ये ड्रामा समझो कि बहुत जू के मुआफिक है, टिक टिक होती रहती है। तो ड्रामा के ऊपर भी नजर रखनी पड़ती है, फिर साक्षी होकर के देखना पड़ता है। अच्छा, ओम शांति। आज की वाणी है रात्रि क्लास। १९/६/१९६४ स्वदर्शन चक्र फिरता रहता है क्योंकि बच्चों के टाइटल्स तो बहुत हैं। बच्चों को लाइट हाउस भी कहा जाता है, ऐसे है ना? कितनों को ज्ञान की रोशनी दे करके ठिकाने लगाते हो, जैसे लाइट हाउस स्टीमर को रास्ता बताता है कि कहां कोई टीकरी से जाकर के न लटक जाए,
तो यहां भी ऐसे है। तुम बच्चे ज्ञान का लाइट हाउस हो, तो मुक्ति और जीवन मुक्ति की तरफ रास्ता बताते हो, नहीं तो उनको ठीक रास्ता न मिले तो ये जाकर के कांटों के जंगल में गिर जाते हैं। तो तुम रास्ता बताने वाले ठहरे। मम्मा का भी समाचार बच्चों को सुनाते हैं, मम्मा की तबीयत तो ठीक है परंतु शायद एक मास जुलाई को और भी वहां रहेगी बंबई में, ऐसे दिखता है। और फिर पीछे अगस्त, उसमें बरसात बहुत पड़ती है, शायद फिर बाबा लिख देवे कि अगस्त में यहां बरसात में आकर क्या करेगी, इसलिए फिर अगस्त में वहां ही ठहराई देगी। कहां है, कहां ठहराए देंगे, बंबई में। अगस्त में शादियां भी होती है ना, बरसात भी बहुत पड़ती है, सर्विस तो होगी नहीं। यहां तो सर्विस नहीं होगी, वहां बॉम्बे में होगी तो सर्विस करती रहेगी। और फिर जब मम्मा आएगी तब फिर बाबा बाहर निकलेगा। बच्चे तो जानते हैं ना कि बच्चों को इस दिल्ली को नई दुनिया में नई दिल्ली बनाना है। अभी ये जो है वो पुरानी दिल्ली, उसको कह देते हैं नई दिल्ली, परंतु पुरानी दुनिया में पुरानी दिल्ली को पूरा नई दिल्ली बनाए देते हैं। और तुम बच्चे जानते हो कि हम नई दुनिया में नई दिल्ली बनाएंगे, समझा ना। फिर से दिल्ली का नाम परिस्थान होगा। अभी क्या है, नई दिल्ली को परिस्थान कहें, बिरला मंदिर में भी ये लिखा हुआ है कि 5000 वर्ष पहले धर्मराज ने परिस्थान स्थापन किया। पांच हजार वर्ष पहले क्या था है, कहते हैं कि महाभारत युद्ध स्थापन हुआ, उसमें बाद में फिर दिल्ली को इंद्रप्रस्थ बनाया। तभी ये दिल्ली परिस्थान थी। किसने बनाया, धर्मराज ने बनाया। तो अब ये दिल्ली परिस्थान कब बनेगी है, अभी तो नाम रख दिया है नई दिल्ली,
परंतु परिस्थान तो नहीं है ना, तो कब बनेगी परिस्थान? जब पहले कब्रिस्तान बने। तो अभी दिल्ली पूरा कब्रिस्तान होनी है। अब तुम बच्चियां वहां फिर परिस्थान की फाउंडेशन डाल रही हो, तो तुम किसकी बच्ची हो? है धर्मराज की बच्ची हो। जो राजाएं धर्म करते हैं उनको भी फिर धर्मराज कहा जाता है। धर्म के राजा। तो देखो, तुम धर्म करती हो राजा पद पाने के लिए। अज्ञान काल में भी जो मनुष्य जास्ती धन दान करते हैं वो साहूकार या राजा के पास जन्म लेते हैं, और तुम तो बहुत धर्म करती हो। क्या बनने के लिए? स्वर्ग का महाराजा बनने के लिए। तन मन धन अभी बेहद का दान करती हो। तुम बड़ा भारी धर्म करते हो। जो दानी होते हैं उनको फिलैंथ्रोपिस्ट कहा जाता है। तो तुम्हारे जितना दान भारत में कोई नहीं कर सकता। भारत में दान बहुत होता है। ये भारत इस बात के लिए मशहूर है, इस समय तुम बेहद का दान करते हो, सब कुछ दान करते हो, तो फिर बेहद का वर्षा भी तुमको मिलता है। बेहद का महाराजा, बेहद की महारानी बनते हो। तो दान करना माना अपन को इंश्योर करना। अज्ञान काल में भक्ति मार्ग में दान करना माना अपन को इंश्योर करना समझते हैं। बाप फिर दूसरे जन्म में बहुत दान देते हैं। बच्चों को अभी एक दो को बहुत दान करने वाली पांडव सेना बनना है। बाबा भी बहुत दान करते हैं बच्चों को, स्वर्ग का दान देते हैं, वर्षा देते हैं या दान देते हैं, बात एक ही है। परंतु फिर भी ये वर्षा है, इसको अच्छी तरह से समझाया गया है। बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। ये तुम्हारी कितनी बड़ी सभा है। ये ज्ञान सूर्य, ये ज्ञान चंद्रमा, ये ज्ञान लकी सितारे, उन सितारों में नंबर वन है लकी सितारा, फिर ये मम्मा सरस्वती। क्योंकि दुनिया को ये मालूम नहीं है कि ये जगदम्बा जगत पिता की क्या लगती है। ये बात दुनिया तो नहीं जानती है, तुम जानते हो। गाया जाता है
ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती। 19/6/1964 की वाणी का दूसरा पेज। परंतु यहाँ जो मनुष्य जाते आते हैं, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, तो उनको दो भुजाएं होंगी ना, ब्रह्मा को भी दो भुजाएं हैं, परंतु यहाँ इस दुनिया में जगदम्बा को कितनी भुजाएं दे दी है। तो तुम बच्चों को तीसरा ज्ञान नेत्र मिला है, जिसे तीसरे ज्ञान नेत्र से मंथन करके तुम जान लेते हो कि तुम इन सभी देवी देवताओं वगैरह में से कौन है, ये तुम सब जान चुके हो। दुनिया में तो सभी बुद्ध हुए हैं, समझा? जो अपने बाप को ही नहीं जानते उनको क्या कहें? तो इसीलिए ये सारी दुनिया बुद्ध है। बुद्ध होने के कारण कमाई नहीं जानते हैं। बुद्ध लोग कमाई करना ही नहीं जानते हैं, गुमाई करना जानते हैं। तो भारतवासी गुमाई करना जानते हैं, दुनिया गुमाई रही है, गुमाना जानती है। अभी तुम तो पाते रहते हो, तुम इकट्ठा करते रहते हो, वो इतना लाखों करोड़ों गुमाए रहे हैं और तुम पद्मा पद्मपति बनकर तारों का खजाना पाए रहे हो। देखो उनमें और तुमने तुम्हें कितना फर्क है। तो तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। हाँ, त्रिलोकीनाथ है ना, त्रिलोकीनाथ नाम है, गुलाबचंद, कितने अच्छे अच्छे नाम रखते हैं। देखो ये हंसनी, ऐसे नाम भी हैं यहाँ। मद्रास की तरफ नाम तो बड़े बड़े रखते हैं, भक्त वत्सलम, नहीं तो भक्त वत्सलम भगवान को कहा जाता है। जो आकर के भक्तों के ऊपर ज्ञान की वर्षा करते हैं, तो ये पूरा नाम है भक्त वत्सलम। वहां ऐसे अच्छे अच्छे बड़े बड़े नाम बहुत हैं, और फिर सीलोन में नाम देते हैं बंदर नायकम, बंदर नायके। वहां बंदर बंदर क्यों कहते हैं? क्योंकि हनुमान के बंदर की सेना गई थी ना, तो वहां के नाम तुम देखेंगे बंदर नायकम, बंदर। वो प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? अच्छा बच्चे, यहां राज ही खुशी बैठे हैं। देखो यहां कहां बैठे हुए हो, कहां कहां से छिप करके भाग करके और आ करके ये बाप की गोद में बैठे हो।
अच्छे अच्छे मेरे लाडले बच्चों को माया कैसे हप कर गई है, हमारे महावीर गजों को महारथियों को ग्राह खा गया है। ये माया कम नहीं है। भगवान को अगर ये बाबा कह दे रहे हैं, जैसे गॉडफादर परमपिता कहा जाता है, तो बस पिता कहने से ही परमपिता कहने से मनुष्य को समझाना है। वो तो बाबा है, वो स्वर्ग स्थापन करते हैं, हमको तो जरूर बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। अभी देखो कितना सहज समझते हो, परंतु मनुष्यों की बुद्धि ऐसी है जो स्वर्ग वगैरह की बात को समझते ही नहीं है। क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि कोई भी स्वस्थिति में रहने के आदि ही नहीं है, एक भगवान बाप ही है जो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है, वो ही बाप आकर के स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बोलते हैं ये स्वर्ग क्या है, ये स्वर्ग वर्ग तो सब कल्पनाएं हैं, सन्यासी लोग इनको आकर के बहुत देखते हैं। तो बोलते हैं ये सभी आपकी कल्पनाएं हैं, जो जैसी कल्पना करता है वो वैसा ही बन जाता है, ऐसे ऐसे कह देते हैं। तो देखो तुम बच्चों को स्थापना में बहुत मत्था मारना पड़ता है, क्योंकि तुम मनुष्यों को रिजुविनेट करते हो एकदम। काया कल्प वृक्ष समान बनाए देते हो, जैसे कहा जाता है काया कल्पतरु, जो छोटेपन में मर जाते हैं अकाली मृत्यु में, परंतु तुमको तो काल के ऊपर विजय पहननी है। देखो कैसी छोटी छोटी बच्चियां तारा, तुम बच्ची काल के ऊपर विजय पहनती हो। देखो कोई सुने तो क्या कहे, बाप के बच्चे बनते हैं। अभी बाबा के ऊपर तो विजय प्राप्त करने की बात ही नहीं है। हाँ बाबा के पास हम जाकर के रह सकते हैं, हम ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव बाबा के ऊपर हम विजय पहनते हैं, नहीं हैं? क्या कहेंगे? ১৯৬৪ की वाणी का तीसरा पेज, तुम शिव बाबा के ऊपर विजय नहीं पहनते हो, शिव बाबा हमको विजय पहनाते हैं बाबा माया के ऊपर। हम ऐसे नहीं अपन को कहेंगे कि हम शिव बाबा के ऊपर विजय पहनते हैं, ये जरूर कहेंगे कि ये जो तुम्हारे माता पिता हैं उनके ऊपर तुम विजय प्राप्त करो। कौन माता पिता? हैं? कौन? लौकिक। अच्छा
जिन्होंने तुमको जन्म दिया, पालन पोषण किया, उनके यहाँ तो तुम आकर के पहले ही जन्म ले जीत पहन करके आए हो, अभी फिर उनको हराओगे? ये जरूर कहेंगे कि ये जो तुम्हारे माता पिता हैं कौन है? ब्रह्मा सरस्वती, उनके ऊपर तुम विजय प्राप्त करो। कैसे हैं? हैं? अरे ब्रह्मा सरस्वती कलयुग में है, संगम में है कि सतयुग में है? संगम में है। उनका जो पुरुषार्थ है वो अज्ञानियों जैसा पुरुषार्थ है या बाप को पहचानने वाला पुरुषार्थ है? उन्होंने बाप को पहचाना? नहीं पहचाना। तो बाप कहते हैं सो तो तुम बच्चे जरूर विजय प्राप्त करते हो, क्योंकि माँ बाप नीचे आते हैं फिर बच्चे तख्त पर बैठते हैं। तो बच्चे माँ बाप के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं ना, तो ये ठीक है ना? माँ बाप पहले नंबर में, फिर ये उतरते उतरते एक दो के ऊपर तख्त पर बैठे रहते हैं। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम शिव बाबा के ऊपर विजय पहनते हैं। हाँ, तुम विश्व पर विजय पहनते हो, माया के ऊपर विजय पहनते हो। बाकी शिव बाबा के ऊपर कोई विजय पहने तो फिर वो बात नहीं हो सकती। समझा ना? हाँ, शिव बाबा बेशक अपने से मर्तबा तुम बच्चों को देते हैं, पर विश्व का स्वामी बनाते हैं, बाप बच्चे नहीं बनते। बच्चे बाप बनते हैं क्या? तो तुम शिव बाबा के स्वामी नहीं बन सकते हो। हाँ, माया से नहीं हारो, नहीं तो ये माया एकदम ग्राह बनकर कच्चा खा जाएगी। पुरुषार्थ के लिए यहां बहुत अच्छा है। कहां है मधुवन? जो बाप का घर है वहां अच्छा पुरुषार्थ करने के लिए बहुत चांस है, क्योंकि ये तपस्या का स्थान है, ज्ञान का, योग का स्थान है। यहां यहां आकर के सो जाना भी बहुत अच्छा है, फिर तो सब सोना शुरू कर देंगे। जैसे कोई मंदिर में जाकर के श्री लक्ष्मी नारायण के आगे सो जावे तो ये देखो सब बैठे हुए हैं, और यहाँ शांत सफाई शुद्ध स्थान है। वहां मंदिरों में भी फिर बहुत सोते हैं, खटियों के ऊपर सोते रहते हैं, खटमल भी खाते होंगे।
फिर म्यूजिक बजा। देखो यहां तुम घर में बैठे हो, ऐसा कोई सत्संग नहीं होता है। इतना बेहद का घर होता ही नहीं है। मात पिता और शिकील दे बच्चे, तो यहां तुम लोगों को बहुत नशा चढ़ना चाहिए और सारा दिन नशा रहना चाहिए कि हम बाप दादा के, बेहद बाप के, मम्मा जिसकी महिमा है, तुमेव माता च पिता तुमेव, हम उनके साथ बैठे हुए हैं, हम उनसे वर्षा ले रहे हैं। कैसे ले रहे हो? याद से ले रहे हो। वंडरफुल बात है, मनुष्य तो याद दिलाते हैं चित्र दे करके, विचित्र आकर के फिर बच्चों को मंत्र देते हैं, कहते हैं माम एकम याद करो, हैं? मनुष्य क्या याद दिलाते हैं? जगदम्बा का चित्र दे करके याद दिलाते हैं, यहां फिर विचित्र आकर के बच्चों को मंत्र देते हैं। विचित्र कैसे मंत्र देंगे? विचित्र अर्थात चित्र के विपरीत बिंदु कैसे मंत्र देगा? है? ऐसा विचित्र है जो तुम बच्चों की भी समझ में नहीं आ पाता। बाप का पार्ट ऐसा वंडरफुल है शंकर का, जो तुम बच्चे भी समझ नहीं सकते। तो चित्र हुआ या विचित्र हुआ? है, चित्र होते हुए भी विचित्र पार्ट धारी है। तो बाप मंत्र देते हैं तुमको, बच्चे कोई दूजम जगदम्बा आदि को मत याद करो, क्या करो? मां हमें एकम याद करो। अगर विचित्र को बिंदु कहें तो एक बिंदु को याद करेंगे क्या? है? पता कैसे चलेगा कि वो एक बिंदु बेहद का बाप है? उसकी क्या खासियत है? हैं? एक बिंदु जो बेहद का बाप है उसकी खासियत का कैसे पता चलेगा? यही खास बिंदु है और बाकी सब आम बिंदु हैं। आत्मा आत्मा हैं? माम एकम याद करो, ये एकम शब्द तभी साबित होता है जब कोई विचित्र पार्टधारी में आकर के प्रवेश करे। कहते हैं पवित्र बनो तो साथ में ले जाएंगे, और फिर अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो सजा खाएंगे। बाकी फिर आना तो सबको है, कहां है? परमधाम में भी सबको आना है और स्वर्ग में भी तुम सब बच्चों को आना है। तो बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए इस नॉलेज की। क्या क्या खुशी होनी चाहिए? कि बताया कि पवित्र बनेंगे तो क्या होगा?
बाबा के साथ साथ जाएंगे और पवित्र नहीं बन पाएंगे तो भी है? आएंगे तो जरूर स्वर्ग में। देखो यहां आईसीएस बड़े बड़े इम्तहान पढ़ते थे, वो पढ़ने वाले बड़े खुशी में रहते थे, गुरु लोग को भी बहुत खुशी होती है। बाबा ने बतलाया आगा खान को 2-5 करोड़ वर्ष में मिलते होंगे, शायद उससे भी जास्ती मिलते हो, और यहां तो बात मत पूछो, तुमको भविष्य में जन्म जन्मांतर के लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस ऐसी निरोगी काया अथा धन और सदैव हर्षित रहना। इतना भारी वर्षा बाप से मिलता है, बाप को याद करने से। इसलिए कहते हैं ना, कुब्जाएं अहिल्याएं फलानी फलानी गणिकाएं, वो सभी बाप से वर्षा पा लेती हैं। गणिका किसको कहा जाता है? है जो गीत तो गाती है, ज्ञान तो सुनाती है भगवान का, लेकिन है लेकिन अंडर में किसके रहती है? हैं? हाँ ढोल मजीरा भी बजाती है, लेकिन अंडर में किसके रहती है? हैं? भगवान के अंडर में रहती है, भगवान जैसे चलाना चाहते हैं वैसी रहती है, हैं? वो भी बाप से वर्षा पा लेती है। अच्छा बच्ची बाजा बजाओ, बाबा को ये इंद्रियों के भोग है ना, क्या कान से सुंदर सुंदर आवाजें सुनना, मुख से अच्छे अच्छे 36 प्रकार के टोली खाना, आंखों से सुंदर सुंदर दृश्य देखना, ये किस समय की बात है? हैं? सन 64 की, जब सिर्फ बेसिक नॉलेज थी, उस समय ये नहीं किसी की बुद्धि में था क्या कि गीत गाना नहीं है, वास्तव में गीत सुनना भी नहीं है। और अभी है, अभी इन इंद्रियों के भोगों से परे ले जाने की बात है या उन इंद्रियों के भोगों को भोगने की प्रैक्टिस करने की बात है? म्यूजिक बजा, अच्छा मीठी मीठी सिकिल्ली बच्चों प्रति मात पिता का याद प्यार और गुड नाइट, ओम शांति।